लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने तेज किया अभियान। लोकसभा चुनाव के शंखनाद के साथ ही राजनीतिक दलों ने चुनाव के लिए कमर कस ली है और दलों ने अपने कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने के लिए बैठकों, युवा सम्मेलनों, महिला सम्मेलनों व कार्यशालाओं का आयोजन करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में शिमला भाजपा मंडल ने त्रिदेव सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए टिप्स दिए। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के शहीदी दिवस 23 मार्च से हिमाचल में चुनाव प्रचार तेज हो जाएगा, जिसके तहत सम्मेलनों के अलावा 256 छोटी जनसभाएं भाजपा करेगी। कुल 400 छोटी बड़ी जनसभाओं का हिमाचल में भाजपा आयोजन करेगी। मई महीने में प्रधानमंत्री मोदी सहित देश के बड़े नेताओं की भी प्रदेश के 2-2 जनसभाओं का आयोजन हर लोकसभा क्षेत्र में किया जाएगा। प्रचार अभियान कल से ही 23 तारीख को सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी का शहीदी दिवस है, उससे प्रारंभ हो जाएगा। घर घर जाने का कार्यक्रम, जिसमें घरों में जाकर के झंडे भी लगाए जाएंगे और ये मटेरियल भी लोगों को जो है वो दिया जाएगा। तो असल में सारे देश भर में जो है वो किस प्रकार से जो है चुनाव अभियान हो और उसमें सोशल मीडिया का और ऑनलाइन जो है वो कंपेन का क्या महत्व तो है और किस प्रकार से करनी है, ये सब कार्यकर्ताओं को बताने के लिए आज की इस जो कार्यशाला है इसका आयोजन किया गया है। और मैं समझता हूँ कि वर्तमान समय में अगर हम देखें तो हिंदुस्तान भर में आज जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जो इस प्रकार की कंपेन है और उसमें जो मुद्दे सामने रखते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उसका कोई जो है वो कार्ड दूसरी पार्टी के पास है नहीं। और उस दृष्टि से ये अभियान बहुत महत्वपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 4/4 और इस बार पिछली बार के 53% से बढ़कर के वोट लेंगे। विधिवत जो प्रचार होगा वो तो उसके लिए पूरे प्रदेश में 2-2 बड़ी बड़ी जनसभाएं, उसमें प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष या कोई और नेता वो आएंगे, वो अभी बाद में थे। शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट।